जैसे मान लो आपने कौन बनेगा करोड़पति में जीता, आपने किसी गेम शो में जीता, आपकी कोई लॉटरी लग गई। अब रूल समझ लो, बहुत टफ रूल है, किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। इसके अलावा दो तीन छोटे मोटे टैक्स लगते हैं, सेस लगता है, ऐसे करके वो टैक्स लगेगा ही लगेगा, शो करना ही पड़ेगा। मैं कोई भी आपको इलीगल रास्ता नहीं बताऊंगा, आएगी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी, और आपको पता तो होगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कसिनो के लिए या कसिनो के अलावा भी लोगों के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों का सवाल भी था और उनको पता भी नहीं है ज़्यादातर लोगों को कि जो कसिनो से अमाउंट जीता जाता है उसके ऊपर गवर्नमेंट कितना टैक्स चार्ज करती है कि नहीं करती है, और करती है तो कितना करती है, क्या स्लैब है। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि अगर आप गैम्बलिंग में जीतते हो तो उस अमाउंट का आपको कितना टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, और वो ऑनलाइन के ऊपर लगता है कि नहीं लगता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि ऑनलाइन गैम्बलिंग लीगल है कि इलीगल है, तो वैसे ही हम इस में हम ये बात करेंगे। वो तो मैंने बता दिया था आपको कि ऑनलाइन गैम्बलिंग इंडिया में लीगल है या इलीगल है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ऐसे ही मैं इस बार इस वीडियो में ये बताऊँगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से कोई भी अमाउंट आपने जीता हो, कहीं पर भी जीता हो, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है कि नहीं करती है, करती है तो कितना करती है, और इसके अलावा क्या क्या गवर्नमेंट कंडीशंस लगाती है। तो इस वीडियो में आपको इन सब चीज़ों के जवाब मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, ये जो गैम्बलिंग के द्वारा जीती गई अमाउंट होता है, गैम्बलिंग तो आप इसको समझ, इसको बोला जाता है कैजुअल इनकम। जो भी अमाउंट आपने कसिनो में या गैम्बलिंग में या किसी भी तरह के जुए में जीता है, और वो अमाउंट आपने बैंक में जमा किया है या शो किया है या शो करना पड़ रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट है, तो उस वो अमाउंट आएगा कैजुअल कल्चर इनकम में, कैजुअल इनकम में। कैजुअल इनकम में सिर्फ जुआ या गैम्बलिंग ही नहीं आता है, इसके अलावा भी और चीज़ें आती हैं। रेस कोर्स में जीता गया पैसा, वो तो चलो गैम्बलिंग ही हो गया। अगर आप किसी टीवी शो में हिस्सा लेते हो और उसके किसी कॉन्टेस्ट में, किसी भी तरह के कॉन्टेस्ट में, वो रेडियो का कॉन्टेस्ट हो, वो टीवी का कॉन्टेस्ट हो, आपने किसी भी टीवी के किसी शो में पार्टिसिपेट किया है, किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, और आपने वहाँ पे जो भी रकम जीती है वो रकम कैजुअल इनकम में गिनी जाएगी, कैजुअल इनकम में काउंट होगी। इनकम का जो हिंदुस्तान का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें वो कैजुअल इनकम के दायरे में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपने कौन बनेगा करोड़पति में जीता, आपने किसी गेम शो में जीता, आपकी कोई लॉटरी लग गई, कोई लॉटरी खरीदी, जिन स्टेट्स में लॉटरी लीगल है वहाँ पे मान लो आपकी लॉटरी लग गई, कुछ भी ऐसी इस तरीके से कमाई गई जो इनकम होती है, जो जैकपॉट लगना या इस तरह का जो भी कुछ है, ये सब कैजुअल इनकम में आती है। इसको कैजुअल कल्चर इनकम बोलते हैं। कैजुअल इनकम में क्या रूल क्या है गवर्नमेंट का, अब रूल समझ लो, बहुत टफ रूल है, किसी तरह की कोई रियायत नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये कहाँ तक लगेगा, कहाँ से शुरू होता है, तो आप ये बात समझ लेना, इस पर किसी भी तरह का कोई भी स्लैब एप्लीकेबल नहीं है। अगर 10,000 रुपये से एक रुपया भी ऊपर, अगर 10,000 रुपये से ऊपर की जो भी रकम है उस रकम को कैजुअल इनकम के दायरे में लाया जाएगा, और कैजुअल इनकम के दायरे में आने पर उसके ऊपर 30% का फ्लैट TDS लगेगा, टैक्स लगेगा आपको। अगर आपने 10,000 रुपये जीते हैं तो 3,000 रुपये टैक्स जाएगा, 1,00,000 रुपया जीता है तो 30,000 TDS जाएगा, टैक्स जाएगा। अगर आपने 1 करोड़ जीता है तो 30,00,000 जाएगा। अगर कोई कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपया जीतता है तो उसको 30,00,000 रुपया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है, 30% TDS है। इसके अलावा दो तीन छोटे मोटे टैक्स लगते हैं, सेस लगता है, ऐसे करके। तो ये टोटल जो टैक्स बनता है ये 31.2 मतलब 31.2% का टैक्स फ्लैट लगेगा। 10,000 रुपये से ऊपर की इनकम से लेके अनलिमिटेड जितनी भी इनकम हो, 10 करोड़ हो, 1 अरब हो, उसके ऊपर भारत के अंदर 31.2 मतलब 31.2% टैक्स लगेगा, 30% TDS और सेस वगैरह मिला करके 31.2 होता है ये टैक्स लगेगा। और ये टैक्स किसी स्लैब के अंतर्गत नहीं आता है, किसी स्लैब के अंडर नहीं आएगा कि आपकी अगर इतनी इनकम है तो इतना टैक्स देना है, इतना कमाओगे तो इतना देना, नहीं, ये फ्लैट है। आप ये भी नहीं कह सकते कि जी मेरी तो इनकम ही 2.5 लाख से कम है, नहीं, अगर 10,000 से ऊपर है तो आपको टैक्स लगेगा, आपके अकाउंट में आया है, आप उसको इनकम टैक्स में शो कर रहे हो, आपको वो टैक्स लगेगा ही लगेगा, शो करना ही पड़ेगा। मैं कोई भी आपको इलीगल रास्ता नहीं बताऊंगा।
लीगल लीगल कुछ चीज़ें सही है गलत है मुझे नहीं मालूम, उसका डिबेट अलग हो सकता है, पर अगर लीगल है, अगर चार बुद्धिजीवी लोगों ने बैठ के बना दिया, भले वो हमें सूट नहीं कर रहा है, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। मैं इलीगल एक्टिविटीज़ के हमेशा खिलाफ हूँ। तो अगर हम लीगली, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया किसी भी तरह का आप गैम्बलिंग में, जुए में, टीवी शो में जैकपॉट लगता है, कुछ भी होता है, लॉटरी लगती है, आपके को टोटल टैक्स उसका जो फ्लैट है वो लगेगा 31.2, और ये फ्लैट टैक्स है। और हाँ, अब आती है मेन बात कि चलो जी टैक्स इनकम बन गई, अब आप सोचोगे कि इसमें ATC, ATD क्या होता है, वो जो इंश्योरेंस वगैरह की आप वो ले सकते हो, जी मैंने तो इतना इंश्योरेंस करा रखा है, नहीं, इस पर किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस पर किसी भी तरह का, आपके पास कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कुछ भी हो, आपने कोई भी चीज़ उस पर, जिस पे भी, जो भी ATC के तहत आती है, वो इस पर ATC होता है, ATD होता है, मैं उस पर कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, तो वो मतलब किसी भी तरह का आपको इस पर रिबेट, किसी भी तरह का डिडक्शन इस पर नहीं मिलेगा, कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, फ्लैट है तो फ्लैट है इसको। और अब ये बात, एक बात और बता दूँ, अगर आपने इलीगल गैम्बलिंग से भी पैसा बहुत बड़ा जीता है और वो गैम्बलिंग के दायरे में आया है, तो भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। इलीगल है वो क्रिमिनल एक्टिविटी, वो पुलिस देखेगी, पर इनकम टैक्स कहता है कि आपकी गैम्बलिंग लीगल है या इलीगल है वो तो अलग मैटर है, पर अगर वो विनिंग अमाउंट इलीगल तरीके से भी आया तो भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा 30% TDS प्लस सेस, तो 31.2% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई भी पॉलिसी, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, और कोई स्लैब इस पे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, फ्लैट है 10,000 से ऊपर की हर अमाउंट पे। और ये अगर कसिनो चाहे तो वो काट के भी आपको दे सकता है, ये रूल है, वो कसिनो नहीं काटते हैं, बहुत सारे कसिनो नहीं काटते हैं, पर कुछ कसिनो काट लेते हैं, उनका मतलब जो नहीं काटते हैं उनका ये मतलब है कि वो आपने वहाँ नहीं कटवाया, आपको देना पड़ेगा, पर देना चाहिए, पर कई कसिनो काटते हैं, वो काट सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं काट सकते, आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते, उनके पास ये पावर है कि भाई आपने उनसे अमाउंट जीता वो टैक्स काट के देंगे, जैसे आपकी लॉटरी लगती है तो वो आपको ये काट के देंगे TDS, ठीक है। अब आती है एक और बात, आपने गैम्बलिंग में जो भी खर्चा किया है वो खर्चे का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा आपको, ये भी ध्यान रख लेना। जैसे आपने ऑनलाइन गैम्बलिंग का सेटअप बनाया है, जी इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलिंग मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, आप जाके देख लेना, लिंक आई बटन पे भी आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग लीगल है या इलीगल है। तो आप ये समझ लो कि वो जो भी है, वो जो भी है, उसमें भी अगर आपने उस ऑनलाइन को खेलने के लिए लैपटॉप खरीदा, आपने उस ऑनलाइन के लिए आपने बहुत महंगा वाईफाई हाई स्पीड लगाया और उसके लिए इंटरनेट का पे किया हर महीने का पैसा, तो ये सब तो आपके एक्सपेंस हो गए ना उसको कमाने के लिए, तो जनरली तो मिलते हैं डिडक्शन, इसके बाद में ही तो हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, पर गैम्बलिंग के अमाउंट के अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपने उसके लिए लैपटॉप खरीदा, आपने उसके लिए इंटरनेट का पैसा दिया है, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये भी बात ध्यान रख लेना। दूसरा, जैसे आपने लॉटरी की टिकट खरीदी, आपने मान लो 5,000 रुपये की लॉटरी की टिकट खरीदी और वो आपकी लग गई, तो आपके वो जो विनिंग अमाउंट है उसके ऊपर आपको टैक्स चार्ज होगा, ना कि उस विनिंग अमाउंट में से आप ये 5,000 रुपये कम करके टैक्स दोगे, नहीं, आपने जो भी उस पर खर्चा किया है उस पर किसी तरह की गवर्नमेंट कोई छूट कोई रियायत नहीं देती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी गैम्बलिंग लाइन से, उनको हो सकता है कि ये चीज़ कसिनो वालों को आज तक ना पता हो जो प्लेयर हैं, जो गैम्बलर हैं, पर एक जनरल नॉलेज के हिसाब से और एक आप जिस फील्ड में हो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके हिसाब से मुझे लगा कि मुझे आपको ये नॉलेज देनी चाहिए और मैंने ये दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत काम आएगी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगी, आपकी नॉलेज को बढ़ाएगी और आपको पता तो होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।